हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो ये देखिए, आज ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस, नाइट ड्रेस हम गोपाल जी के लिए आज के इस वीडियो में बनाएंगे। ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनानी इसमें बताई है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी पैंट और शर्ट का सेट इसमें हमने बनाया है, और इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके की ड्रेस अपने गोपाल जी के लिए बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, और ये फैब्रिक, इसके मेज़रमेंट आपको दोनों साइड से एक बार दिखा देती हूँ मैं। इसकी यहाँ पर ये देखिए, इस फैब्रिक से, इस वाले स्ट्रिप से हम पैंट बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसकी लंबाई 8 इंच और इसकी चौड़ाई लगभग। तो इसको अब हम देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे हम इतना, एक फोल्ड और एक फोल्ड, दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, एक एक फोल्ड करके। अब इस पर हम ये देखिए इस तरीके की इलास्टिक ले लेंगे और इसको एक साइड रख करके इस तरीके से खींच कर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, एक साइड सिलाई लगा दी है, इस तरीके से आएगा ये। अब इसको हम यहाँ पर उल्टा रख करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, और एक सिलाई इधर लगा देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएंगे, वी शेप में करके। जो हमें सिलाई लगानी होती है नीचे की साइड, वो हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। आप इसमें चाहें तो मार्क भी लगा करके पहले फिर आप सिलाई लगा लें। मैं इसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ उसमें, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा करके वी शेप में, फिर इसको हम कट कर देंगे। तो सिलाई लगा देते हैं पहले। तो देखिए, सिलाई लगा दी है और सेंटर में से कटिंग भी कर दी है हमने, इसको पलट करके सीधा कर देते हैं। तो ये पैंट बन करके हमारी तैयार हो गई। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी पैंट बन करके, और कितनी जल्दी से बन करके रेडी हो गई है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना करके फटाफट से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, पैंट बन करके हमारी रेडी है यहाँ पर। अब इसके साथ हम शर्ट बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर शर्ट बना लेती हूँ। शर्ट बनाने के लिए फैब्रिक ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये शर्ट बनाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक लिया है, कॉटन का ही। तो अब हम इसे देखिए क्या करेंगे, इसकी मेज़रमेंट पहले मैं आपको एक साइड से दिखा देती हूँ। इसको मैंने डबल लिया हुआ है यहाँ से, दो डबल में इसको मैंने, ये देखिए डबल है इधर से, ये दोनों साइड से यहाँ से 3.5 इंच, और इधर से इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे, और इसको हम चारों साइड से इतना इतना फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले चलिए सिलाई लगा देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए, चारों साइड सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया दो बार। फोल्ड करने के बाद इसको छोटी सी कटिंग लगाएंगे यहाँ पर हम नेक के लिए। तो हल्की सी यहाँ पर हम, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल आधे से भी कम इंच हम इसमें, यहाँ पर देखिए छोटी सी कटिंग हमने नेक के लिए लगा ली है। एक फ्रंट साइड ओपन के लिए आगे से एक कट यहाँ लगा देंगे। एक कट लगाने के बाद, और ये दोनों साइड से कॉर्नर भी कट कर देंगे। तो देखिए, कटिंग लगा दी है। कटिंग लगाने के बाद
अब हम इसमें यहाँ पर इसमें सेंटर में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का और एबिक पट्टी स्ट्रिप कट कर ली है। इसको हम यहाँ से एक बार कट कर लेते हैं कॉर्नर का। और अब हम इसको यहाँ पर इसके शर्ट के ये देखिए ऊपर की साइड इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर बैक साइड पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लग जाएगी जब हमारी, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड करके एक सिलाई और लगा देंगे। तो चलिए इतनी सिलाई लगा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो देखिए सिलाई लगा दी है और पलट करके ये हमने सीधा कर दिए शर्ट को भी, और ये शर्ट भी बन करके हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी है, और ये देखिए आप देख ही सकते हैं ये भी बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो गई है। और दोनों पैंट और शर्ट इस तरीके की ड्रेस आप बना करके बहुत ही जल्दी से अपने गोपाल जी के लिए तैयार कर लेंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गोपाल जी की ये पोशाक भी आपको पसंद आई होगी। ड्रेस अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।